Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, let's talk about education as investment. So this question will be asked as a short note in the exam because there is not much detail that you can talk about education as investment because there are other topics also that can be asked under long answer type questions. So without a further ado, let's talk about education as investment. So iska matlab kya hai, education as investment? It refers to the view of that education is not just an expense or the consumption, but also an investment. कि एजुकेशन एक एक्सपेंस नहीं है, एक कंजम्पशन नहीं है, बट एक इन्वेस्टमेंट है दैट यील्ड्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंड रिटर्न्स. अब अपने मन में लॉन्ग टर्म बेनिफिट और रिटर्न आएंगे उसको देखते हुए इन्वेस्ट किया जाता है. सो इट एम्फेसाइजेस दैट the notion that individuals, societies, governments allocate resources to education with the expectation of reaping future economic, social and personal gains. कि जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, राइट, वो कुछ सोच के किया जाता है कि इसका फल मिलेगा. ये वो नहीं है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये नहीं है. यहाँ पर एजुकेशन को इन्वेस्ट किया जाता है, एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाता है फल की इच्छा रखते हुए. तो फल क्या है कि फ्यूचर इकोनॉमिक सोशल एंड पर्सनल गेन्स होंगे, ये सोचकर इन्वेस्ट किया जाता है. तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए इसको इलाबोरेट कर सकते हो, पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं, पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं, एग्जाम में, दैट इज योर चॉइस. तो सबसे पहले क्या है कि फ्यूचर ओरिएंटेशन. Education as an investment focuses on long-term outcomes and benefits rather than immediate gains. एक ऐसा investment है कि जिसमें immediate gain तो नहीं होता, right? उसके लिए बहुत patience रखनी पड़ती है, सब्र रखना पड़ता है, सब्र का फल मीठा होता है. तो it recognizes that education is a process that equips individuals with knowledge, skills, capabilities, talent, values that have the value and utility in future. कि बच्चों को हम इस तरीके से उनको एजुकेट करते हैं कि लॉन्ग रन में दे बिकम गुड ह्यूमंस और एम्प्लॉयड हो सकें, एम्पावर्ड हो सकें. तो बहुत सारी स्किल्स उनके पास हो, राइट, फ्यूचर ओरिएंटेड हो, राइट, दे कैन बी द गुड ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोस पॉइंट्स आल्सो. तो ये हम फ्यूचर ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए, उसको जहन में रखते हुए फिर इन्वेस्ट किया जाता है. दैट इज व्हाई एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट. तो अगर हम ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की बात करें, एजुकेशन इज सीन एज अ मींस टू एनहांस ह्यूमन कैपिटल व्हिच रेफर्स टू नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज एंड क्वालिटीज इंडिविजुअल्स पोजेस दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्टिविटी एंड द पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस. ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा, नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज और क्वालिटीज होंगी तो तभी तो इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस हो पाएंगी. एंड इट एक्नॉलेजेस दैट एजुकेशन इंक्रीजेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड द पोटेंशियल अर्निंग ऑफ द इंडिविजुअल्स. एंड इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, हर कोई इसके साथ सहमत होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट. एंड नेक्स्ट यू कैन टॉक अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट. इकोनॉमिक्स वाले जो है बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको. Similar to the other financial investments, education is expected to generate a return on investment, ROI. The return can be in any form. It can be in the form of increased earning potential, improved job prospects and higher employability, better career opportunities. So, ठीक है, return on investment देखकर ही किया जाता है. कोई भी चीज हम बिना सोचे समझे तो नहीं करते ना, कि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका फायदा क्या होगा. क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, एमएड कर रहे हो, उसका एग्जाम देना है, तो इतना आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्या सोच के कर रहे हो, राइट. लीडरशिप में जाना है, बीएड कॉलेजेस में जाकर पढ़ाना है, मे बी समवेयर फॉर प्रिंसिपल्स ऑल्सो बींग अ पेडागोजिकल लीडर, एमएड इज ऑल्सो मैंडेटरी, राइट. सो कहीं ना कहीं ये सब सोचकर ही तो किया जाता है ना. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखकर ही बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेटर एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है. नाउ सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं इसके. एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइजेस दैट एजुकेटेड इंडिविजुअल्स नॉट ओनली बेनिफिट देमसेल्व्स बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप अवेयर हैं, आपके पास 21st century स्किल्स हैं, ग्लोबली आप अवेयर हो, तो उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ आप अपनी बेहतरी के लिए नहीं बल्कि समाज की, संपूर्ण विश्व की भलाई के लिए भी काम करेंगे, राइट. तो इट लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल मोबिलिटी. तो ये सब इसके फायदे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. रिस्क एंड अनसर्टेंटी, लाइक एनी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन इन्वॉल्व्स रिस्क एंड अनसर्टेंटी. रिस्क तो हर जगह पर होता है, ये तो इंश्योर श्योरिटी तो इस चीज की नहीं होती ना कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो
तो आपको उसका गेन होगा ही होगा. तो देयर इज नो गारंटी दैट एजुकेशन इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज यील्ड द डिजायर्ड रिटर्न्स, राइट? मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज. सो फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक कंडीशंस, लेबर मार्केट डायनेमिक्स एंड पर्सनल सर्कमस्टेंसेस कैन इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट. हो सकता है आपने सोचकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हो सकता है प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया, किसी चीज में इन्वेस्ट किया कि ये हो सकता है कि ये कर लें, और बाद में कितने सारी डिग्री होल्डर्स जो है, कितने अनएम्प्लॉयड बैठे होते हैं, उतनी अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए. तो ये पूरा सर्वेज एनालिसिस जो है वो करके ही इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है. बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है और बाद में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनको चेंज करना पड़ता है. तो दे कैन बी एनी रीजंस फॉर दैट. सो आगे हम इसके बारे में और बात करें तो अकमुलेटिव एंड क्यूमुलेटिव, राइट? एजुकेशन इज ऑफन व्यूड एज क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट, वेयर अर्ली इन्वेस्टमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन ले द फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन इन द लाइफ लॉन्ग लर्निंग. प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन हो गई, फाउंडेशन हो गया हमारा, पहले प्राइमरी होगी देन सेकेंडरी होगी, हमारा बेस बन गया. हायर एजुकेशन के लिए हम तैयार हो गए एंड देन वी वॉन्ट चिल्ड्रन इंडिविजुअल्स टू गो अहेड विद द लाइफ लॉन्ग लर्निंग. सो द नॉलेज एंड द स्किल्स दे एक्वायर्ड इन द अर्ली ईयर्स इन एजुकेशन वो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं फॉर फर्दर एजुकेशनल परस्यूट्स एंड पर्सनल ग्रोथ. मतलब वो एक्युमुलेट होता जाता है, हमारा जो एक चीज सीखी है वो खत्म नहीं हो जाती, वो आगे के लिए एजुकेशन के लिए एक बेस का काम करता है. नाउ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, व्हाइल द इकोनॉमिक रिटर्न्स ऑफ एजुकेशन दे आर सिग्निफिकेंट, वो आपने डिस्कस हमने पहले किया है. जॉब ओरिएंटेशन की बात करी, बेटर परस्पेक्टिव, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करी. एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एनकम्पेसेस नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स ऑल्सो. दीज इंक्लूड पर्सनल डेवलपमेंट हो सकती है, सोशल डेवलपमेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग है, हेल्थ सर्विसेज बेटर होंगी, सिविक एंगेजमेंट होगा, बेहतर होगा. आप पढ़े लिखे हो, आप अवेयर हो, आप कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, अपने सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए एंड वर्ल्ड एट लार्ज उसके लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो. तो खाली मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात नहीं होती, हर चीज के लिए पैसा ही नहीं देखना होता, राइट? पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व बोथ द पब्लिक एंड द प्राइवेट एक्सपेंडिचर. लाइक आपको पता है कि हमने पीपीपी रिलेशनशिप भी पढ़ा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पढ़ा है, उसमें हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर होती है. तो इसमें गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट फंडिंग जो है वो सारे उसमें फंड इन्वेस्ट करते हैं. इंडिविजुअल्स एंड द फैमिलीज दे इन्वेस्ट इन एजुकेशन थ्रू प्राइवेट फंडिंग, ट्यूशन फी, अदर एक्सपेंसेस, वो सारा उसमें करके. सो एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग इन दैट, गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. सो रेकोगनाइज एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट हेल्प शेप पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेज दैट प्रायोरिटाइज एजुकेशन, एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली, इंश्योर्स इंडिविजुअल्स हैव द एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन. सो इट अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एज अ मीन्स टू फोस्टर इंडिविजुअल ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस. जब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, पहले बताएंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है. तो जो भी हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, बेस्ड ऑन दोज पॉइंट्स यू एक्सप्लेन द इंडिविजुअल ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, राइट? उन सारे पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. स्टे ट्यून्ड टू मेंटरिंग द मेंटर्स टू नो अबाउट मोर सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.